विषय में रख लिया तो खराब आदमी यार बता रहे मेरा सवाल घूमने के चालू सर रानोपा के प्रमुख और नागौर के माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी की विशाल जनसभा है बजरी माफिया के खिलाफ। बजरी माफिया का जो आतंक पूरे राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है उसके विरोध के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मुखर रूप से पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। बालोतरा की धरती से आदरणीय उम्मेदाराम जी बेनीवाल के नेतृत्व में जिस आंदोलन की शुरुआत बजरी माफिया के खिलाफ हुई थी आज वो आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और पूरे प्रदेश भर के अंदर हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती से बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल रही है और बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही है। उसी क्रम के अंदर 24 जून को धोरीमन्ना के अंदर हनुमान जी बेनीवाल का बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल है विशाल जनसभा है जिसके अंदर 25 से 30 हज़ार की संख्या के अंदर लोग जुटेंगे और बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। साथ ही साथ स्थानीय जो मुद्दे हैं नर्मदा नहर का पानी सिंचाई का पानी हर खेत को मिले स्थानीय लोगों को कंपनियों के अंदर रोजगार मिले बीमा क्लेम का मामला हो। हनुमान जी बेनीवाल सामने आए 24 तारीख को धोरीमन्ना के अंदर बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह को प्रोग्राम रखा है के रूप में अल्लाह बोल प्रोग्राम पूरा प्रदेश के अंदर रिया नागौर और भीलवाड़ा जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय पर अल्लाह बोल प्रोग्राम हो चुके हैं और उसमें की वो अपना स्टॉक बनाए और उस स्टॉक से गाड़ियाँ भरवा कर वो टीपी जारी करें और बाज़ार के अंदर देखे उनको। लेकिन उनका इस टाइप से सिस्टम कर रखा उन्होंने जो टी के अनुसार गाड़ी की टीपी जारी होती है और पैसे पूरे जो गाड़ी के अंदर जो फिजिकल जैसे 50 टन भरा है या 48 टन भरा है या 40 टन भरा है उस बजरी के पैसे वो ले रहे हैं। रसीद 50 रुपये की कट रहे हैं लेकिन हर ज़िले में अलग अलग रेट। हम जब कोलाइट में थे बीकानेर के अंदर वहाँ लोग बता रहे थे कैसा बड़ा हमारे 1100 रुपये भी रसीद लेकिन रुपये 11,000 ले रहे हैं। बाड़मेर में आपके 550-600 रुपये भी हिसाब से पैसे ले रहे हैं। वहाँ भीलवाड़ा के अंदर 50 रुपये की रसीद करती है 700 रुपये के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तो इस टाइप से प्रदेश के अंदर लोग बजरी माफिया ने एक खुली लूट मचाने में आप जो कैंप लगा रहे हो महंगाई में रात की बात कर रहे हो वो सारी गौण होगी इस बजरी माफिया की मनमानी दशा में। तो हमारे सुप्रीमो ने पूरा प्रदेश के अंदर बजरी माफिया के विरुद्ध में अलग का प्रोग्राम रखा और उसी प्रोग्राम के तहत सरकार उतरी जैसमेर के अंदर और ऐसा लगता है कि सरकार ने उस होटल का एहसान चुकाने के लिए बजरी माफिया को बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया। आप जो चाहे रेट लें जिस चाहे लूटे चाहे जिस को मारे। मैंने कल परसों अखबार में था कि पशुपतरा के अंदर प्रया था भाई मारपीट की वो अभी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है जोधपुर के अंदर MDM हॉस्पिटल के अंदर ऐसी भी सूचना मिली। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं बाड़मेर में तो पहले एक अपने अरब सिंह त्रिवाई की हत्या भी कर दी थी। तो इस टाइप से जो गुंडागर्दी कर रहे आएंगे मुझे आज भेजा गया है मैं एरिया में मुख्य मुख्य लोगों से मिलूँगा कार्यकर्ताओं से मीटिंग लूँगा वहाँ की व्यवस्था भी देखूँगा और बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ ऐसा मुझे लगता है बाड़मेर की जनता का ऐसा संदेश है।